अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इशित किचन में आपका बहुत ही प्यार से वेलकम है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी गोश्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, आप भी देख सके मेरी टेस्टी रेसिपीज और मुझे अपना बहुत सारा सपोर्ट और प्यार दे सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो गोश्त ले लिया है जिसको मैंने धो के रख लिया है। मेरी आधा किलो अरवी है ये, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, एक ये मेरे मीडियम साइज की प्याज थी जिसको मैंने छील के काट लिया है, दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाले में यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून जीरा, 20-25 काली मिर्ची, थोड़ी सी छोटी इलायची की मैंने बीज निकाली है ये वो है, थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा है, थोड़ा सा जायफल, ये बड़ी इलायची के दाने हैं और ये चार लौंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और चलिए अब हम गैस पे रखेंगे अपना कुकर और अपनी गैस ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चलिए अब हम अपने कुकर में तेल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 100 ग्राम तेल यूज कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 100 ग्राम तेल ले लिया है। अब हम अपने तेल को गर्म होने देंगे। और चलिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी ये प्याज। प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना ये गोश्त। अब हम अपने गोश्त को तेल में फ्राई करना है, बट इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेरा गोश्त फ्रीजर में रखा हुआ था, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, जम गया है, तो बस ये थोड़ा सा लूज हो जाए फिर हम इसको अच्छे से भून लेते हैं ऑयल में। ये देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त खूब अच्छा, इसका कच्चापन निकल चुका है, इसकी डिजाइन वगैरह सब निकल गई है। खूब अच्छे से हमने इसको तेल में तला है, देखिए इसका कलर भी कैसा चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। और चलिए अब हम अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं अपने गोश्त के साथ। तो ये देखिए हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भी खूब अच्छे से इसके साथ भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना और कुछ स्पाइसेस। तो ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया, ये हम इसमें ऐड करेंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी और ये नमक। चलिए इन सबको करते हैं अच्छे से मिक्स। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त कितना प्यारा लग रहा है। चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी। में यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि हम 3 सीटी लेंगे हमारा गोश्त गलाने के लिए। चलिए हम कुकर का ढक्कन लगाते हैं और इसमें 3 सीटी आने देते हैं। और जब तक इसमें सीटी आ रही है हम अपनी अरवी छील लेते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने अपनी अरवी अभी नहीं धोई है, मैं इसको छीलने के बाद धोऊंगी, क्योंकि अगर मैं धो के छीलती तो हाथों में खुजली मचने लगती है, तो इसीलिए हम पहले इसको छील लेंगे और फिर बाद में धोएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसको धोने के बाद छीलना चाहते हैं तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें तो भी आप खुजली नहीं होगी आपके हाथों में, बट मैं थोड़ा सा अपना कहाँ हाथ चिपचिपे करूँ, इसलिए पहले मैं इसको छील लूँगी और बाद में धो लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी अरवी मैंने छील के धो ली है। और चलिए अब हम इसमें कट लगाएंगे। और हम कट इसलिए लगाएंगे ताकि जो हमारे मसाले का फ्लेवर है वो इसके अंदर तक जाए, अंदर से ये फीकी फीकी ना लगे, इसलिए हम इसमें कट लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रेशर रिलीज हो चुका है, हम इसको खोल के चेक करते हैं। चलिए हम अपनी गैस ऑन करते हैं, इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारा गोश्त खूब अच्छा भुन चुका है, इसमें तीरा वगैरह छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी अरवी। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं अरवी और इसको कर देते हैं मिक्स। और चलिए अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ, इसमें हमारी ग्रेवी भी हो जाएगी और अरवी भी गल जाएंगी। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप पे डिपेंड होती है, जैसी आपको पसंद है उस हिसाब से लगाइए। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कप पानी ऐड किया है। अब हम अपने कुकर का ढक्कन लगा देंगे
और 2 सीटी ले लें ताकि हमारी अरवी गल जाए। तो चलिए फ्रेंड, जब तक इसमें 2 सीटी आ रही है तब तक हम अपने गरम मसाले भून लेते हैं और उनको अच्छे से कूट लेते हैं, क्योंकि हमें ऊपर से इसके डालना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारे सालन का। देखिए, हमने गरम मसाले रोस्ट करने के लिए गैस पे अपना तवा रख दिया है। अब हम तवे में ऐड कर देंगे अपने ये सारे गरम मसाले, बिस्मिल्लाह, और अब हम इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे गरम मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, माशाल्लाह इसमें से खूब अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन मसालों को पीस लेंगे और चलिए अब हम इनको अच्छे से कूट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला खूब अच्छा कूट चुका है और हमारे कुकर में भी 2 सीटी आ चुकी है। तो चलिए हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और इसका प्रेशर रिलीज होने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रेशर रिलीज हो चुका है, हम इसको खोल के चेक करेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है हमारा अरवी गोश्त। तो चलिए अब हमने जो गर्म मसाला कूटा था, अब हम इस पे थोड़ा सा वो स्प्रिंकल कर देंगे। ये है सोने पे सुहागा, इससे हमारा टेस्ट हो जाएगा दुगना। और चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी रोटियों के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी माशाल्लाह हमारा टेस्टी सा अरवी गोश्त। इसे आप भी जरूर बनाइए, ट्राई करिए, अपनी प्यारी फैमिली को खिलाइए, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूंगी आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।